हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं आज एक न्यू ट्रैवल ब्लॉग के साथ हाईवे राइट। और ईशान ट्रैवल्स फैमिली में आप सभी को और एक बार स्वागत है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अभी हाईवे राइट के लिए। और आज हम लोग जाने वाले हैं नियामतपुर में। और आप सुनेंगे जो नियामतपुर में जो चाय बनता है, बहुत ही स्पेशल चाय है, और वो चाय का नाम है तंदूरी चाय। तो नियामतपुर का स्पेशल तंदूरी चाय पीने के लिए आपको जाना पड़ेगा पहले नियामतपुर। तो आज का जो राइडिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं आसनसोल कल्ला से टू नियामतपुर। आज का वेदर भी काफ़ी मस्त है और निकल चुके हैं हम लोग हाईवे राइड के लिए नियामतपुर की ओर। और साथ में है मेरा रॉयल एनफील्ड। आवाज़ आपको मालूम चल गया जो मेरा रॉयल एनफील्ड फंडा 350 का साथ है। जो हम लोग जैसा रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम भी चल रहा है अभी। तो रॉयल एनफील्ड बाइक एक ऐसा बाइक है फ्रेंड्स, आप चला सकते हैं इसको हाईवे में उड़ा के। और अगर ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हैं तो चला सकते हैं आप पहाड़ में, खदान में, जैसे कि हम उस दिन खदान में चला रहे थे और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला फ्रेंड्स आप लोगों से। फ्रेंड्स आगे से जो रोड जा रही है वो चल रहा है अभी खनवत की ओर, और हम लोग यहाँ से लेफ्ट में कट लगाएंगे। और ये हो गया हमारा सर्विस रोड। फ्रेंड्स आप लोगों से मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो आसनसोल में आप लोग को पता है कुछ ही दिन पहले फ्रेंड्स आई लव आसनसोल का जो बोर्ड है तो वो कहाँ पर है, तो अगर आपको पता है तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि अभी मैं उसी का पास से मैं गुजरने वाला हूँ। और जो आसनसोल का जो आई लव आसनसोल बोर्ड है वो है फ्रेंड्स जुबली में, जो जुबली पेट्रोल पंप आपको पड़ता है वहीं पर है फ्रेंड्स। तो आगे जाके हम आपको दिखा रहे हैं आई लव आसनसोल का बोर्ड। तो फ्रेंड्स ये है चार माथा जुबली पेट्रोल पंप मेरा बगल में, और आपको उधर में नज़र आ रहा होगा आई लव आसनसोल का बोर्ड जहाँ इंग्लिश में लिखा है, देखिए फ्रेंड्स। और सामने है आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज। और फ्रेंड्स मेरा लेफ्ट साइड में है बंगाली में लिखा हुआ है यहाँ पर फ्रेंड्स आई लव आसनसोल। तो फ्रेंड्स आपका जो क्वेरीज था मुझे लग रहा है सॉर्ट आउट हो चुके। देख रहे हैं फ्रेंड्स जो ये आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। तो सामने में है इसलिए जितना सारा बस वगैरह है सब यहीं से छुट्टी है। फ्रेंड्स अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरा चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मेरा हंटर 350 का और भी हम बहुत सारा लाने वाले हैं आपके पास फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हम लोग क्रॉस किए अभी जुबली पेट्रोल पंप, और आपको समझ में आ गया होगा जो आई लव आसनसोल आसनसोल में किस जगह में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं भगत सिंह मोड़ के पास, और यहां से हम लोग लेंगे राइट। और इस टाइम पे अभी टाइम हो रहा है जैसा 6:45, तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है हमारे आसनसोल में, क्योंकि ऑफिस वगैरह सारा इस टाइम पे छुट्टी वगैरह होता है। तो अभी इसलिए आप ट्रैफिक जैम भी बहुत ज़्यादा देख पा रहे हैं हमारे भगत सिंह मोड़ पर। तो सिग्नल खुल चुकी है और क्या मजा आ रहा है। और हम लोग अभी हैं कुमारपुर में, काफी मजा आ रहा है बाइक के साथ। तो ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए हम लोग अभी मनोज सिनेमा हॉल के पास है। हालांकि ये सिनेमा हॉल अभी उतना फेमस नहीं है जैसा पहले होता था। और यहाँ पर भी हाईवे का कंस्ट्रक्शन होते हुए फ्लाई ओवर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पर जैसा ट्रेन लाइन वगैरह है, इसलिए यहाँ पर फ्लाई ओवर अभी बन रहा है फ्रेंड्स। तो अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है मुझे लग रहा है। तो यहाँ से फ्रेंड्स और 6 किलोमीटर है जो हम लोग वहाँ पर जाके स्पेशल चाय पियेंगे। काफ़ी ज़्यादा स्पीड ब्रेकर है इस लाइन पर फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा स्पीड ब्रेकर है।
होना भी चाहिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, इसीलिए फ्रेंड्स। हैंडल का मूवमेंट काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, हम बहुत सारा बाइक चलाए हैं फ्रेंड्स, लेकिन मुझे लगा हैंडल 350 का भारी बाइक है, लेकिन हैंडल का मूवमेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मूव आप कर सकते हैं, इजीली इसको मूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है नियामतपुर मार्केट, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं नियामतपुर में और देख रहे हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारा दुकान है मेरा लेफ्ट एंड राइट साइड में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप अगर आते हो नियामतपुर फ्रॉम आसनसोल से तो आपको अवेलेबल है बस सर्विस अवेलेबल है, आप आ सकते हो टोटो से, बाइक से, कार से फ्रेंड्स। तो मेरा लेफ्ट से जाता है पुरुलिया, यहाँ पर चार माथा मोड़ है, और मेरा राइट साइड में है जो है NH2 हाईवे, आप पकड़ेंगे अप टू आप धनबाद जा सकते हो फ्रेंड्स। तो यही रास्ता आपको दोनों जगह डिवाइड करेगा फ्रेंड्स, इधर जो रास्ता है सीधा जा रहा है पुरुलिया है 77 किलोमीटर, और हम लोग जो नियामतपुर आ चुके हैं यहाँ पर हम लोग पियेंगे स्पेशल चाय, तंदूरी चाय, नियामतपुर स्पेशल तंदूरी चाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर तंदूरी का स्पेशल जो चाय मिलता है वो काफ़ी बहुत सारा है, चार पाँच है, उसमें से एक स्पेशल है, हम लोग वही स्पेशल चाय के दुकान में जाने जाते हैं। सो फ्रेंड्स आप जैसे जानते हैं जो मैं हूँ टी लवर, मैं चाय को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं पीने आ गया चाय, और हम लोग अभी पहुँच चुके हैं और देख रहे हैं काफ़ी तादाद से भीड़ है यहाँ पर फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी चलेंगे ऊपर में। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग विजय स्वीट्स जो टी है यहाँ पर हम लोग पियेंगे चाय आज का, तो चलते हैं अभी चाय का शॉप में आप देखते हैं फ्रेंड्स। सो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं आज विजय स्वीट्स में, जहाँ पर मिलता है यहाँ पर स्पेशल चाय, तो फोकस करते हैं अभी चाय पे, जो यहाँ का चाय का टेस्ट फ्रेंड्स कैसा है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स, और हमने सिर्फ यहाँ पर चाय नहीं लिया है, चाय के साथ है सिंगाड़ा भी है। यहाँ का जो चाय का प्राइस है बहुत नॉमिनल है, 10 रुपया ओनली, 10 रुपीज़ में आपको चाय मिल सकता है, बहुत ही टेस्टी चाय है। यहाँ का स्पेशल चाय का रिव्यू हम अभी देते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आप अगर पीना चाहते हैं चाय तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आना पड़ेगा जरूर, और इस लोकेशन को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे फ्रेंड्स, जो आपको कैसे आना पड़ेगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप आउट ऑफ 10 में हम फ्रेंड्स 10 देना चाहते हैं, और सिंगाड़ा भी काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स यहाँ का, आप अगर टेस्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा नियामतपुर में। फ्रेंड्स आज का जो हम लोग का स्पेशल चाय का सफ़र यहीं पर समाप्त होता है, और हम लोग अभी निकल रहे हैं घर के, और तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स निकलते हैं नियामतपुर से और स्टार्ट करते हैं मेरा रॉयल एनफील्ड हंटर 350। सो फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना है जो आज का ये जर्नी आपको पर्सनली कैसा लगा फ्रेंड्स, तो मैं ये वीडियो को और ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, तो चलता हूँ अभी, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है जो आज का जो सिटी राइड था साथ में स्पेशल चाय कैसा लगा फ्रेंड्स, जरूर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं भगत सिंह मोड़ के पास, अभी हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ से हम लोग अभी लेफ्ट में कट लगाएंगे और चलेंगे अपना घर की ओर।